बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मुरमुरों से यानी के पफ राइस से बने हुए हल्के फुल्के स्नैक्स। यानी के इन मुरमुरों से बने हुए स्नैक्स को खाने के बाद हैवी फील नहीं होता और ये बहुत मज़ेदार क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं और दूसरा बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ये मैंने 2 कप मुरमुरे लिए हैं। सबसे पहले मुरमुरों को ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल आटे की तरह ग्राइंड कर लेना है। मुरमुरों को आटे की तरह बिल्कुल फाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आटे की तरह फाइन हो गया है। बस इसी तरीके से फाइन पीसना है। अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेना है। अब मुरमुरे के आटे की एक डोसी बना लेनी है। इसमें तकरीबन 1/4 कप या हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इस तरह से नरम सी डो तैयार कर लेनी है और हल्का सा गर्म पानी इस्तेमाल करते हुए डो बनानी है। ये एक नरम सी डो तैयार कर ली है। अब हमने क्या करना है, बोल को कवर करके तकरीबन 5 मिनट ऐसे ही रहने देना है ताकि मुरमुरों का आटा बहुत अच्छे से पानी सोख कर ले। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं आटा थोड़ा सख्त सा हो गया है, यानी कि मुरमुरों के आटे ने अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है। अब इस तरह आटे को थोड़ा नीट कर लेना है। अब इसमें कुछ अज्जा शामिल कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून या हसबे जायका नमक, 1/2 टीस्पून या हसबे जायका कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून जीरा, ये तकरीबन 1 टीस्पून क्रश किया हुआ अदरक, 2 से 3 क्रश की हुई हरी मिर्चें और ये थोड़ा सा हरा धनिया शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए चंद अज्जा शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून मैदा। अब इन तमाम अज्जा को इस तरह गूंथते हुए आपस में मिक्स कर लेना है। हमने आटे की तरह नॉर्मल डो तैयार करनी है तो इसमें हस्ब ज़रूरत पानी की जगह दही का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ये मैंने 2 टेबलस्पून दही शामिल किया है। दही शामिल करने के बाद इसको इस तरह आटे की तरह नीट कर लेंगे। ये नॉर्मल आटे की तरह डो बनकर तैयार है। अब जल्दी से हाथ को धोकर कुकिंग ऑयल की मदद से स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं ताकि डो हाथ में ना चिपके। और फ्रेंड्स, डो जैसे ही तैयार हो जाए हमें फौरन स्नैक्स बनाने हैं। इसको हमने ना तो स्नैक्स का शेप देकर रखना है और ना ही डो को रखना है। अगर डो को बना के रख दिया तो डो सख्त हो जाएगी क्योंकि ये चावल के मुरमुरों का आटा है और चावल बहुत तेजी से पानी को सोख करते हैं। और इसी तरह अगर स्नैक्स का शेप बना के रख दिया तो क्राई होते हुए स्नैक्स में क्रैक आ जाएंगे। फ्रेंड्स, बस इस तरह डो का छोटा सा पेड़ा लेंगे और उसको इस तरह से राउंड करते हुए चपटा कर देंगे और दरमियान में कुकिंग ऑयल की मदद से एक होल बना देंगे। बस इसी तरीके से बाकी डो के भी स्नैक्स बना लेंगे और इस तरह प्लेट में रखते चले जाएंगे। ये तमाम डो के स्नैक्स बनकर तैयार हैं। ये तकरीबन मैंने 9 अदद स्नैक्स तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो मज़ीद थोड़े छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा इससे ज़्यादा बड़े ना बनाएं। दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम पर ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब पैन की गुंजाइश के हिसाब से इसमें ये स्नैक्स एक एक करके शामिल करेंगे। तमाम पीसेस पैन में शामिल कर लेने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, स्नैक्स में जो हमने दरमियान में होल किया है इससे क्या होता है, स्नैक्स बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होते हैं। ये बहुत मज़ेदार कुरकुरे टी टाइम स्नैक्स बनकर तैयार हैं। ये बच्चों के लिए तो आप ज़रूर बनाइएगा, बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाते हैं। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।